हाँ, मेरा नाम है जतिन दास, मैं दिल्ली में रहता हूँ। बॉम्बे से जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ा हूँ। मैं ओरिजिनली उड़ीसा का रहने वाला हूँ। 54 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं करता, सिर्फ पेंटिंग करता हूँ। पेंटिंग करता हूँ, ग्राफिक्स करता हूँ, ड्राइंग, स्कल्पचर ये करता हूँ और दिल्ली में रहता हूँ अभी 45 साल से। और जयपुर बहुत दफ़ा आया हूँ, राजस्थान बहुत दफ़ा आया हूँ, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर वगैरह बहुत दफ़ा आया हूँ और मुझे राजस्थान बहुत पसंद है और यहाँ के आर्टिस्ट सब मिले हुए हैं तो अच्छा काम हो रहा है। और जिस जगह में ट्रेडिशन है उस जगह का कंटेम्पररी भी अच्छा होता है क्योंकि उसमें से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें से सीखते हैं, ये बात है। सिर्फ आर्ट कॉलेजेस वगैरह की हालत बहुत ख़राब है सारे देश में। आर्ट एजुकेशन अच्छा नहीं है स्कूल में और कॉलेज में भी, आर्ट कॉलेज में भी वही हालत है। तो इसके लिए सरकार का ध्यान देना चाहिए, कोई पॉलिसी नहीं है, सिलेबस बहुत ख़राब है, बच्चों को कंफ्यूज्ड और सब सोचते हैं कुछ बीएफए करें, एमएफए करें और फिर उसके बाद पीएचडी करके कोई नौकरी मिले। कोई आर्टिस्ट होना नहीं चाहता। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? अच्छा, तो ये हालत है। बहुत सारे अभी हिंदुस्तान में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अच्छा, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसलिए भी क्योंकि धंधा है, कलाकृति बिकता है। कलाकार जो बनता है वो बेचने के लिए कलाकार नहीं बनता। साइंटिस्ट जो होता है पैसे के लिए नहीं बनाता। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ, मैं बेचने के लिए तस्वीर नहीं बनाता लेकिन तस्वीर जब बिकता है उससे जीवन यापन करता हूँ। ये आधार, ये सोच, ये क्लैरिटी रहना चाहिए। और समाज में तो सब धंधेबाज हो गए, सब मार्केट प्लेस में हो गए सारा समाज, ये बहुत दुख की बात है। पहले हमारे कवि थे, लेखक थे, चित्रकार थे, अपने आप को बेचते नहीं थे, हैं तो काम करते थे लगन से। अभी भी मिनिएचर आर्टिस्ट लगन से बैठ के काम करते हैं, वो भी धंधाबाज बन गए, लेकिन उनमें भी कोई है। कंटेम्प्रेरी जो अभी समसामयिक जो कलाकार है, कुछ है जो कि मन लगा के और कुछ है शुरू से ही धंधा करने शुरू कर दिए। बात यह है, अभी आप, हम इंटरव्यू दे रहे हैं ना, हम हर वक्त इंटरव्यू नहीं देते, हमारे पास बहुत लोग आते हैं क्योंकि अपने समय को अपने पास थोड़ा रखना चाहिए काम करने के लिए, उसलिए शांति चाहिए, सुकून चाहिए, अकेलापन चाहिए, समझ गए ना। तो अभी कैंप है तो सब लोग आ रहे हैं, ये करें, जैसे यहाँ बहुत सारे कल 500 लोग आ गए, सब बात कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, फ़ोटो उठा रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। ये बच्चे, उनको किसी ने नहीं सिखाया जब तस्वीर बनता है देखना चाहिए, उनको ये मौका नहीं मिलेगा कैसे बना रहा हूँ। अलग अलग कलाकार की अलग अलग पद्धति है और हम जैसे अभी कर रहे हैं अपने स्टूडियो में ऐसे नहीं करते, अपने स्टूडियो में एक पेंटिंग को एक महीना काम करते हैं। तो लोगों को भी ये गलतफहमी हो सकता है कि दो दिन में तस्वीर बनता है, ये तो बाहर ऐसे खेल करते हैं और बहुत कीमत चार्ज करते हैं, लोगों की ये सब गलत आइडिया आ जाता है। सो कैंप का अच्छा भी है, इसके बुरा असर भी पड़ सकता है बच्चों के ऊपर। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को पेंटिंग करना ये कर रहे हैं, अच्छा नुमाइश करो, उसको बेचो, फिर उनका दोस्ती में इसको उसको बोल के बेचते हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। तो सारा दुनिया जो है और अपना देश भी ये पैसे के पीछे भाग रहा है। जैसे बहुत सारे यंग आर्टिस्ट कहते हैं, बट जतिन भाई व्हाट अबाउट ब्रेड एंड बटर, है ये ब्रेड एंड बटर क्या होता है? हमने ज़िंदगी भर कभी नहीं कहा हमारा गुजारा कैसे होगा इसीलिए मैं तस्वीर कचरा बना रहा हूँ, ऐसे हमने कभी सोचा नहीं। बेचने के लिए तस्वीर कभी नहीं बनाया, आप समझे मेरे बात। जैसे कि मैं पेंटिंग किया हूँ, थोड़ा गाढ़ा रंग लगाया हूँ, तो मैंने उपाध्याय को बोला कि मैं ये बाद में आके पूरा करूँगा, ये पूरा नहीं है और पूरा अभी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत गीला है, एक्रिलिक जल्दी सूख जाता है, ऑयल में टाइम लगता है, लेकिन ऑयल का जो इंटेंसिटी है, उसका रंग का जो खासियत है, वो ज़्यादा दिन ठहरता है। जैसे कि हमारे मिनीचर आर्टिस्ट वगैरह जो नेचुरल कलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल लोग पोस्टर कलर भी इस्तेमाल कर रहे हैं कोई, है ना। तो सब धंधाबाज, सब बाजारी बन गए सब।
बाजार सिर्फ नहीं, हम लोग भी बाजार ही बन गए। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए सतर्क रहें, और आपकी कभी फिल्म की न्यूज़पेपर के जरिए, न्यूज़पेपर किसी को इंटरव्यू दिया उस दिन, वो कुछ अगड़म तगड़म लिख दिया, समझ रही है ना हम जो बोल रहे हैं, हैं तो उनको दोहराया होना चाहिए था, पढ़ के सुनाते कोई गलती हुआ तो, और छाप दिया हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे सब जगह पे हो रहा है तो किसको क्या कहें। लेकिन आपका जो राजस्थान है, जैसे बनारस है, लखनऊ है, ऐसे ऐसे जो शहर है वो बहुत बढ़िया है। आपका शहर सबसे इम्पोर्टेंट सिटी प्लानिंग है, जो आपका जयपुर जब बना था 500 साल पहले, हैं ये बढ़िया डिज़ाइन है। लेकिन सारा देश में जो शहर बना इसको सोच के उन्होंने कॉपी नहीं किया, कॉपी मतलब उसके आधार पर। तो आपका यहाँ इतना हैंडीक्राफ्ट ये है, लेकिन आपका टूरिज्म चाहिए ना, लेकिन इतना टूरिस्ट आते हैं तो सब लोग भी बाजारी बन रहे हैं। राजस्थान बढ़िया जगह है, बढ़िया कलाकृति है, सब कैसे धंधा बनेगा, ऐसे कैसे फॉरेनर को पकड़े, ये हो गया। कहाँ किस हद तक हम करें, किस हद तक ना करें, हम चित्र बनाएं कोई गैलरी में बेचें, समझे ना। लेकिन मुझे लगता है पहले से अभी राजस्थान के लोग ज़्यादा धंधाबाज बन गए, माफ़ करना हैं, जैसे सब जगह पे होता है, केरला में हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि अपने आप को नहीं बेचने का, अपना संस्कार को, कल्चर को नहीं बेचने का। आर्ट एक कमोडिटी नहीं है, जो चित्र है ये कोई साबुन कपड़ा नहीं है। तो एक चित्रकार अपने मन से लगन से बनाए, उसके बाद गैलरी में दे, जो भी बेचे वो ठीक है। लेकिन ये सब है भाई, किसको कौन बोलेगा, हर एक का अपना ये है। लेकिन मेरे आसपास लोगों में नम्रता हो और लगन हो तो मैं भी उनसे सीखूंगा ना। जो बच्चे हैं, बच्चे को गलती नहीं है, जैसे कोई बात कर रहे थे, ये कर रहे थे सब, उनका टीचर ने उनको नहीं सिखाया कि चित्र बनाते वक्त बात नहीं करते, दूर खड़ा रहते हैं। कल मैं बना रहा था, पेंटिंग कर रहा था, किसी ने आके बोला ऑटोग्राफ दीजिए, और मुझे लगा कि वो सारा इंक उसके मुंह पे फेंक दो। अब बताइए, कोई कुछ काम कर रहा है, आपका भाई डॉक्टर है, आप जब वो ऑपरेशन कर रहा है आप अंदर घुस सकते हैं नहीं ना, तो फिर तो हर चीज़ में ऐसा होना चाहिए ना। हाँ सुनिए, ये जो आर्टिस्ट शब्द है ना, जो कलाकार, द स्थापति, ये छोटे शब्द नहीं है, आप समझ लीजिए। मैं बहुत दफ़ा बोला हूँ मैं चित्रकार हूँ, कलाकार बनना चाहता हूँ, आप समझ लीजिए बात को, है। तो आजकल के दो रूप, ये 20 साल का लड़का बोलता है मैं आर्टिस्ट हूँ, और क्या रोब है, क्या कॉन्फिडेंस है। और ये सारा जो वेस्टर्न कल्चर ना वो सिखा रहा है, अब कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कलाकार बनने के लिए तो एकदम वल्नरेबल होना चाहिए, वल्नरेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, एक बचपना चाहिए, एक जिज्ञासा चाहिए, एक शोध चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये आसान चीज़ नहीं है, कभी 50-60 साल बने तो कलाकार का शुरुआत है, समझे आप, पुखत होने के लिए है। जैसे भीमसेन जोशी गाते थे, कुमार गंध कैसे, बहुत साल का रियाज करके होता है ना। आजकल तो इधर उधर भटक के वो रियाज नहीं है कुछ, है ना। तो मैं इसमें बहुत गुस्सा से बोल रहा हूँ कि लगन से काम होना चाहिए, लेकिन वो बच्चे क्या करें, उनके घर में नहीं है, समाज में नहीं है, आर्ट स्कूल में नहीं है, स्केचिंग नहीं है। मैंने कल बोला, सब बोले ऑटोग्राफ, मैं बोला तुम स्केच करो तो तुम्हारा ऑटोग्राफ दूंगा। फिर दो चार लोगों ने स्केच किया, लेकिन टक 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 कैमरा है। हम बचपन में अभी भी किसी का स्केच करते हैं, कैमरा से फोटो एक दो कभी उठाया नहीं, तो स्केच करते हैं। अभी भी हम स्टूडेंट हैं, और हर वक्त स्टूडेंट रहना है शिक्षक, समझ रहे ना। तो ये एक अनिवार्य एक धारा है, ये इसका कोई अंत नहीं है, और एक कलाकार बनने के लिए 2-3 जन्म चाहिए। धन्यवाद।